राशिफल के अनुसार आज यानी मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल के मुताबिक आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। मेष राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए रहेगा। आपको किसी प्रतियोगिता की तैयारी में पूरी मेहनत करने की आवश्यकता है। बिजनेस में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। सेहत को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो उसमें भी काफी हद तक सुधार आएगा। आपने यदि कोई लोन अप्लाई किया था तो उसके भी आपको फल मिलने की पूरी संभावना है। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको धन लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कागजातों को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। मिथुन राशि वालों की बात करें तो आज आपको आलस का त्याग करना चाहिए। आपको यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे भी दूर करने की कोशिश करें। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी किसी स्कॉलरशिप से संबंधित परीक्षा को दे सकते हैं। नौकरी पैसा जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। बिजनेस में आप कोई बदलाव कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप किसी वाद विवाद को बढ़ावा ना दे, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। धन को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपके व्यवसाय में पार्टनर पर आपको भरोसा करने से बचना होगा। आप यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधित डील को लेकर परेशान चल रहे थे तो वह भी फाइनल हो सकती है। आपको कोई सरकारी टेंडर मिल सकता है। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। सेहत में उतार चढ़ाव रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जातकों को किसी काम को लेकर गलतफहमी हो सकती है जिससे उनका मन परेशान रहेगा। आपको अपने सहयोगियों से मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। तुला राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद खत्म होगा। आपको नौकरी से संबंधित भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। किसी नए काम के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने संतान के करियर को लेकर कोई चिंता सता सकती है। आप किसी विरोधी की बातों में ना आए। आपको कोई मित्र आपसे धन उधार मांग सकता है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। आपको कामों को लेकर भागदौड़ अधिक रहेगी। आप किसी को धन उधार देने से बचे। आपको अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी की कही सुनी बातों में ना आए, नहीं तो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपका कोई मित्र आपके लिए कोई निवेश संबंधी स्कीम लेकर आ सकता है। धनु राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपको किसी काम में बेवजह नहीं पड़ना है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी आपको वापस मिलने की संभावना है। किसी नए वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। काम को लेकर योजना बनाना चाहिए। कुंभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, क्योंकि आपको कठोर स्वभाव के कारण परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। किसी काम को लेकर आपको योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की छवि और निखरेगी। आपको यदि किसी को धन उधार दिया तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आप दिखावे के लिए चक्कर में ना आए, नहीं तो इससे आपको बेवजह का खर्च बढ़ सकता है।